पब्लिक टीवी आपकी आवाज जा चुका है से आनंद के जड़ों को हम और आनंदित बनाएं। तालियां जोरदार तालियां। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आजादी श्री हीरा लाल सैनी। कुमारी हमदा जैदी। तालियों में कोई कंजूसी नहीं। इसी क्रम में श्री हीरा लाल सैनी, श्री हीरा लाल सैनी जी, श्री चंदन राम जी और चंदन राम जी के बाद श्रीमती दया कश्यप। करदल ध्वनि से बहुत सारी शुभकामनाएं दीजिए जिन्हें मकान की चाबी प्राप्त हो रही है। जरा जोरदार तालियां, आपको भी ऐसे ही प्राप्त होनी है। इसी क्रम में मैं निवेदन कर रहा हूं जिला नगरी जी कुमार जी, संजीव कुमार जी, संजीव कुमार जी के बाद श्रीमती प्रेमा देवी। संजीव कुमार जी ने चाबी प्राप्त कर ली है और इनके बाद श्रीमती प्रेमा देवी, प्रेमा देवी के बाद श्री संजय जी, श्रीमती प्रेमा देवी जी चाबी प्राप्त कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। और हम लोग करदल ध्वनि से निरंतर इस उत्साह क्षण को और अधिक उत्साहित बना श्री संजय जी के बाद श्रीमती जाफरी जी। श्री संजय जी ने चाबी प्राप्त की है, इनके बाद श्रीमती जाफरी जी और जाफरी जी के बाद श्रीमती जगवती जी। स्मृति के साथ आपके साथ जाए एक सुंदर प्रतिमा। श्री चंदन राम जी और चंदन राम जी के बाद श्रीमती दया कश्यप। करदल ध्वनि से बहुत सारी शुभकामनाएं दीजिए जिन्हें मकान। संजीव कुमार जी ने चाबी प्राप्त कर ली है और इनके बाद श्रीमती प्रेमा देवी, प्रेमा देवी के बाद श्री संजय जी, श्रीमती प्रेमा देवी जी चाबी प्राप्त कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। और हम लोग करदल ध्वनि से निरंतर इस उत्साह के क्षण को और अधिक उत्साहित बना श्री संजय जी के बाद श्रीमती जाफरी जी। श्री संजय जी ने चाबी प्राप्त की है, इनके बाद श्रीमती जाफरी जी और जाफरी जी के बाद श्रीमती जगवती जी, श्रीमती जगवती जी। उनका क्रियान्वयन किया गया भारत सरकार की सबके लिए आवास योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अफोर्डेबल हाउसिंग में स्वीकृत 6 परियोजना में प्राधिकरण द्वारा कुल 1744 भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। बड़े हर्ष एवं सौभाग्य की बात है कि इन 6 परियोजनाओं में से आज 3 परियोजना नया मवाजा पॉकेट 1, पॉकेट 2 तथा शाहपुर त्रिवी परियोजना के कुल 1008 भवन तथा BLC योजना के अंतर्गत 12,000 आवास का लोकार्पण दिवाली के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। प्रति भवन मूल्य ₹4.5 लाख निर्धारित है, जिसमें से 1.5 लाख का अनुदान भारत सरकार द्वारा और 1 लाख का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया गया है। तीनों परियोजना के 1008 भवनों का कुल लागत है 45 करोड़। उसके अतिरिक्त 22 करोड़ आंतरिक विकास हेतु प्राधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जा रहा है। एक ही छत पर मानचित्र के समस्त समस्याओं का निस्तारण हेतु निरंतर अभियान चलाया गया है, जिसके क्रम में इस वित्तीय वर्ष में 327 मानचित्र का निस्तारण कराया गया है, जिसका कुल लागत 12 करोड़ की आय हुई है। विकास क्षेत्र हेतु वर्तमान में मास्टर प्लान 2021 प्रभावी है, जिसमें सैटेलाइट इमेजिंग के माध्यम से GIS के आधार पर मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें सभी लोग अपने घर बैठे ही अपना भू उपयोग देख सकते हैं। अब प्राधिकरण द्वारा पूर्व विकसित योजनाओं के रिक्त 828 आवास तथा 336 अनावास संपत्तियों के निस्तारण हेतु नीलामी तथा आवंटन के माध्यम से प्रभावी प्रयास किया जा रहा है।
इन सारे संपत्तियों के वर्तमान मूल्य लगभग 800 करोड़ है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 21 करोड़ की आय संपत्ति के विक्रय से सापेक्ष प्राप्त हुई है। साथ ही मैं यह भी अवगत करना चाहता हूं कि भावी योजना हेतु मुरादाबाद नगर से बाहर निकलने वाले विभिन्न मुख्य मार्गों पर भूमि हेतु स्थल का चयन किया गया है। उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए जिला उद्योग लिए औद्योगिक भू उपयोग क्षेत्र में त्वरित मानचित्र स्वीकृत कर प्रेरित किया जा रहा है। हस्तशिल्पों व शिल्पकारों के उत्पाद प्रदर्शन के प्रोत्साहन के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा निर्मित सोर्सिंग हब को उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड को दिया जा रहा है। दीपावली के पर्व पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भी अपनी संपत्तियों पर दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव मनाया जाएगा। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनके दिशा निर्देश के अनुसार प्राधिकरण द्वारा अन्य परियोजना भी उच्च स्तरीय विकसित की जाएगी। साथ ही आशा करता हूं कि आपका आशीर्वाद इस प्रकार प्राप्त होता रहेगा व प्राप्त प्रेरणा से प्राधिकरण विकास के आयाम स्थापित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।